ये जनाब वीजा लगवा कर बाहर जाना चाहते थे, लेकिन जेब कतरे ने इसको जाने नहीं दिया। इसका वीजा भी निकल गया, पासपोर्ट भी निकल गया, और इसके भाई साहब के पैसे भी निकाल दिए जेब कतरे ने। वीजा किधर का लगवाया था? ईरान का भाई ने। ईरान का? ईरान जाना चाहते थे? ईरान जाना चाहते थे। हुआ क्या था? वीजा लगवा के मैसेज आया, मैं इधर उतरे आके इधर आया तो मेरा नासी कार्ड भी निकाल लिया, वीजा भी निकाल लिया, पासपोर्ट भी उसको निकाल लिया। क्यों जाना चाह रही थी? मजबूरी के लिए। काम नहीं सी थे? नहीं, काम नहीं सी। गुरबती हुए तो? गुरबती बन जाते। उते की काम करना सी? उते है मिस्त्री का काम करना। वीजा किने दा लवाया? वीजा लगाई 9000 का जेंट वीजा लगाई थे, 13000 का पासपोर्ट बनवाया। जेब कतरे नु की कहना चाहोगे? मेहरबानी होदी है, मेरा भेज देवे, डाक पा के भेज देवे ते मेहरबानी होदी। किहड़े काम दा? ओदे किसे काम दा नहीं, ना भी उहने जा सकदा है, ना ओदे पासपोर्ट काम दा, ना वीजा काम दा, ना सनाती कार्ड काम दा। तू क्यों जान छुड़ाना चाहंदे? एडा प्यारा, इन्ना सोहणा मुल्क है साडा। मुल्क है वाकई साडा, बहुत प्यारा है, लेकिन उतले जिहड़े ओह नहीं प्यारे है। ये जनाब वीजा लगवा कर बाहर जाना चाहते थे कि मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँ, ईरान चला जाऊँ, लेकिन जेब कतरे ने इसको जाने नहीं दिया। जेब कतरे ने कहा नहीं, मैं आपको पाकिस्तान से बाहर जाने नहीं दूंगा। इसका वीजा भी निकल गया, पासपोर्ट भी निकल गया, और इसके भाई साहब के पैसे भी निकाल दिए जेब कतरे ने, और शनाख्ती कार्ड भी निकाल लिया। अब ये यहीं के यहीं रह गए हैं। बाकी की बात करूंगा, इन्हीं से जानूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वीजा किधर का लगवाया था? ईरान का भाई ने। ईरान का? ईरान जाना चाहते थे? ईरान जाना चाहते थे। हुआ क्या था? वीजा लगवा के मैसेज आया, मैं इधर उतरे आके, ठीक है, इधर आया तो मेरा नासी कार्ड भी निकाल लिया, वीजा भी निकाल लिया, पासपोर्ट भी उसको निकाल लिया। यानी कि पासपोर्ट भी निकल गया, वीजा भी निकल गया जेब तो, ते पैसे वॉलेट भी निकल गया, और जेब के जेब खाली हो गई। क्यों जाना चाह रही थी? मजबूरी के लिए। काम नहीं सी थे? नहीं, काम नहीं सी थे। गुरबती हुए तो? गुरबती बन जाते थे। ईरान जाके काम करांगा? हां जी। ओथे की काम करना सी? ओथे है मिस्त्री दा काम करना। मिस्त्री दा काम करना सी? अच्छा, ते इत्थे काम नहीं सी हैगा? इत्थे काम कोई नहीं सी। अच्छा, पिंडा पिंडा जगह तुहानू पता काम ही कोई नहीं हुंदा। वीजा किन्ने दा लवाया सी? मैं वीजा लगा ही 9000 का जेंट वीजा लगा ही ते 13500 का पासपोर्ट बनवाया। अच्छा, हां जी, जेंट बनवाया सी पासपोर्ट? जी जी। ते किराया किराया पा के 24000 रुपया जेड़ा मतलब ये, यानी कि ईरान का वीजा लगवाया था जनाब, उधर जाके काम करना चाहते थे कि क्योंकि यहाँ पे काम नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है, और 12-13000 पासपोर्ट पे लगाया, कोई 12-13000 वीजे पे लगा के, कोई 25-26000 रुपए लगा के ये जनाब जाना चाहते थे, लेकिन जेब कतरे ने कहा कि मैं आपको यहीं के यहीं रहने दूंगा, आप खबरदार अगर आप पाकिस्तान छोड़ कर गए तो। तो जेब कतरे नु की कहना चाहोगे? मेहरबानी होती है, मेरा भेज देवे, डाक पा के भेज देवे, तो मेहरबानी होती। ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਖਾਤਰ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋ ਜੀ, ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜੇਬ ਕਾਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਚੋਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਸ ਜਨਾਬ ਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਕਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ ਔਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੋ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ।
इंज ते वापस उन्हें करना नहीं है, मैंने तरला ही कर लो। बिल्कुल पाकिस्तानी जेब कतरे ने ते बड़े मुश्किल ना हाथ आंदे ने। मेहनत ही कर सकता है, गुजारिश ही कर सकता है कि मेरी पासपोर्ट और वीजा मेरा वापस कर दे, किसी डाक में डाल दे, आपके किसी काम का नहीं है वो, मेरे काम का है। मैंने 25-26 हज़ार लगा के मैंने ईरान जाना था, वहाँ पे मेहनत मजदूरी करनी थी, तो ये मैसेज देना जरूरी था मुझे। दीजिएगा, इजाजत अल्लाह हाफिज़।